नंदलाल दा एक बड़ा कीमती शेर है, वो कहंदे ने ना बूद हेज निशान हां जे जमीनो आसमां, कि शौके यादे तो आवर्द दर वजूद मरा। हे अकाल पुरख, हे गुरु, अजे जमीन ते आसमान दा कोई नामो निशान नहीं सी। सूरज चंद तारियां दी कोई होंद नहीं बनी सी, कि कुछ भी नहीं सी। मैं उदों दा तेरी याद विच बैठा और तेरी तलाश विच। उस वक्त दा तेरी याद विच और तेरी तलाश विच अजे ए जमीन ते आसमान नहीं सन। आम मनुख नू ऐसा प्रतीत होवेगा कि एक कवि दी कल्पना हो सकती है, शायर दा तखयल हो सकता है, क्योंकि अक्सर शायर लोग ख्याली दुनिया च रहिंदे ने, कवि लोग कल्पना दी दुनिया च रहिंदे ने। ते कल्पना दी दुनिया दा ख्याली दुनिया दा हकीकत नाल कोई बहुता संबंध नहीं होंदा। ख्याल मनुख ते कुछ भी कर सकता है, वास्तविकता वो है या नहीं इहदा कोई पता नहीं होंदा। तो आम बंदे इस ढंग नाल सोचदे ने इह नंद लाल दा ख्याल हो सकदा है, ते ख्याल ते कुछ भी पेश कीते जा सकदे ने। ते कई दफा ऐसा देखण दे च आया कि महान दार्शनिक कवि उन्हां दीआं कल्पनावां दा उन्हां दे ख्यालां दा हकीकत नाल कोई बहुत लंबा चौड़ा संबंध नहीं आउंदा। तो कवि दी गल आम लोग सुन ते लैंदे ने, बड़े शौक नाल प्यार नाल सुन के रस वी माण लैंदे ने, लेकिन हिरदे दे किसे कोणे विच इह विचार वी बणी रहिंदी है वी इहदा सच्चाई नाल हकीकत नाल कोई दूर दा संबंध नहीं है। तो मैं अर्ज करा, नंद लाल दे ए बचन केवल ख्याली प्रवाज नहीं है, केवल कवि दी कल्पना नहीं है, एक बहुत वड्डी सच्चाई है। ना बूद हेज निशान हां जे जमीनो आसमां, के शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। इस जमीन ते आसमान दा बिल्कुल नामो निशान नहीं सी। ते भाई साहब कहने, मैं उदों दा तेरी तलाश देचा लभ रहा। तार्किक बंदा तर्क करन वाला इत्थे भाई जी दे सामने तर्क खड़ी कर सकदा है, जमीन नहीं सी ते फिर तुसी कित्थे सी, आसमान नहीं सी तो इत्थे कहने दा मुराद इन्ना है सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र नहीं सन, कुछ भी नहीं सी। ते हे अकाल पुरख, मैं उदों दा तेरी याद दे तेरी तलाश दे। आम बंदियां दा ते कहना एक पासे, गुणी ज्ञानी सिख जगत दे चंगे बुलारे वक्ते लिखारी, कई दफा नंद लाल दियां इस तरह दियां रचनावां नूं ख्याली ते कवि दी कल्पना मन लैंदे वी जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, सूरज चंद तारे नहीं सन। ते नंद लाल ते सवाल पैदा हो सकदा है, तूं कित्थे सी फिर, और तलाश किस तरह कर रहा सी, और केड़ी थां ते तलाश कर रहा सी। पर आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, जो कुछ नंद लाल ने कहा कुछ होर महापुरुषां ने भी कहा। ईरान दे प्रसिद्ध सन शम्स तबरेज दा भी ऐसा कहना है, आदम न बूदो मन बूदम, हव्वा न बूदो मन बूदम, इं कस न बूदो मन बूदम, मन आशके देरी नाम।
आदम नबूद होए ये मनुख नहीं सन मैं सी, ये बंदे नहीं सन मैं सी। हवा नबूद हो मन बूदम जिसनु भारतीय ऋषि मुनि माया कहते ने उन्हों इस्लाम दे हवा कह देंगे। ये हवा नहीं सी, संसार नहीं सी, ये माया नहीं सी, मैं सी। ये कस न बूदो मन बूदम, ये कुछ भी नहीं सी जो कुछ दिखाई देता, मैं सी। मन आशिके देरी ना, मैं बहुत पुराना आशिक हूं, मैं बहुत पुराने समय तो तलाश कर रहा। ऐ खुदा मैं अज दा नहीं, मैं उदों दा तेरी तलाश विच जदों ये मनुख नहीं सन, जमीन ते आसमान नहीं सी, ये कुछ भी नहीं सी। पंजाबी दा एक मुहावरा है कि सौ सियाणे इक्को मत, मूर्खा आपो आपणी। दो मूर्ख कदे ही अपने आप दे सहमत नहीं होंगे, सौ सियाणे सहमत हो जाएंगे। एक सियाने ने सच आख्या, 99 सहमत हो जाएंगे। सतवादी होण दा यह सबूत है कि सतवादी सच नाल सहमत हो जाएगा, सच नूं मन लवेगा। कहिंदे ने सौ फकीर बैठे होवन, सौ भगत बैठे होवन, फासला नहीं है, दिलां विच कोई फासला नहीं है। फासला बुराई दा हुंदा, बुरियां दे चाहुंदा है, नेड़ता नहीं होगी। पर एक फकीर बैठा है, दूजा भी फकीर बैठा है, अंदरूनी दिल विच कोई फासला नहीं होगा। इस वास्ते कहिंदे ने सौ सियाणे इक्को मत। अगर सौ फकीर बैठे ने, सौ भगत बैठे ने, विचार एक चलेगी। दो मूर्ख बैठे ने, विचारां दो तरह दियां चलनगियां और दोवें विपरीत चलनगियां, दोवें मुख्तलिफ पहलुआं चलनगियां, एक नहीं चलेगी। सौ संत बैठे ने, गल एक चलेगी। दो मूर्ख बैठे ने, गल्लां चार चलनगियां और चारां गल्लां दे दिशावां भी चार होणगियां, एक नहीं होगी। सौ दा कि मुहावरा है, हजार फकीर बैठे होण ते गल एक चलेगी, ते उस एक गल नाल सारियां दी सहमति होगी और उस एक गल दे आले दुआले घूमणगे। पर चार मूर्ख बैठे होण ते गल्लां हजार चलणगियां, ते किसे भी गल दा सिर पैर नहीं होवेगा, ते मुख्तलिफ होणगियां, विपरीत दिशावां दे चाहुंगी। दार्शनिक ते ऐसा भी कहिंदे ने कि मूर्ख जद बोलदा है तो बोलदा है, दूजे दी सुणदा नहीं, सुनना नहीं आउंदा। तो दूजा जिहड़ा मूर्ख बैठा है वह सुन नहीं रहा, वह भी बोलण दी तैयारी च है। इस वास्ते जद वह बोलेगा तो पहले बोले हुए बोलां नाल उसका तालमेल नहीं बैठेगा, दोवां दी दिशा विपरीत होगी, दोवें मुख्तलिफ पहलुआं ते बोलणगे। सुनेगा एक भी नहीं, बोलना है, हजारां गल्लां दा भी आपस विच तालमेल नहीं बैठेगा। पर हजार फकीर बैठे होण, तालमेल बैठ जाएगा, हिरदे की बड़ी नेड़ता। जिहड़ी एक गल कह दिती है वह इतनी सच्ची है, हकीकत दे उत्ते खड़ी है कि सारे सियाणियां नूं सहमति होना पैंदा। सियाणे ते मूड़ दी इह पहचान, सच नूं सुनना है ते सहमत हो जाना है, सियाणे पुरख की यह पहचान है। सौ सियाणे इक्को मत, मूर्खा आपो आपणी। सौ सियाणे ते एक कीते जा सकते हैं, दो मूर्ख एक नहीं कीते जा सकते। सौ सियाणियां दी दिली सांझ हो सकती है, दो मूर्खां दी नहीं हो सकती। और संसार विच मूर्खां दी तादाद इतनी वध गई, इतनी वध गई, दो मुल्कां दी सांझ, दो कौमां दी सांझ, दो मजहबां दी सांझ, दो मनुखां दी सांझ करनी बहुत औखी हो गई, बहुत औखी, क्योंकि चारों पासे मूर्ता का पसारा। पर मैं फिर अर्ज करा, सौ फकीर किधरे बैठे उन मत एक है,
गुरु नानक देव जी महाराज रामानंद नाल सहमत ने ते रामानंद गुरु नानक नाल सहमत है। कदी ते गुरु ग्रंथ साहब विच उसकी बाणी है, कबीर गुरु नानक नाल सहमत ने, गुरु नानक कबीर नाल सहमत ने। रविदास नामदेव जयदेव त्रिलोचन भीखण सजना सहन, ये गुरु अर्जन देव जी नाल सहमत ने ते गुरु अर्जन देव जी इन्हां नाल सहमत ने। और शरीरक रूप में भी जो किधरे कट्ठे बैठे आते तो एक दूजे के मुखालफत नहीं आनी सी, सौ सियाने एको मत, फैसला एक होना सी, गल एक होनी सी। कहते सौ ब्रह्म गहने किधरे बैठे होने तो गल एक आती है तो बाकी सारे सहमति हो जाती, गल बड़ी सच्ची। दो मूल बैठे होवन गल एक नहीं होगी, गल्लां दो होणगियां ते दो गल्लां दो हजार बन जाणगियां, क्योंकि सुनना किसी ने भी नहीं। संसार विच इस तरह के मनुखां की तादाद बहुत वधदी गई, इस वास्ते वितकरियां का जन्म बहुत हो गया, दुख का जन्म बहुत हो गया, संताप का जन्म बहुत हो गया। तो मैं अर्ज करा जिहड़ी गल भाई नंद लाल पै कहिंदे ने शमस तबरेज ने हू बहु हो ही आखदे। नंद लाल कहने नबूद हेज निशान हां से जमीनो आसमां कि शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। ये अकाल पुरख जमीन ते आसमान का नामो निशान नहीं सी, मैं उदों दा तेरे शौक विच तेरी उड़ीक विच बैठा, तेरी तलाश विच। जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, हू बहू यही गल कि राम दा संत कहिंदा आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, कि कस न बूदो मन बूदम, मन आशके देरी नाम। मैं बहुत पुराना आशिक हां तेरी तलाश विच। हुण इत्थे सवाल पैदा होता है कि जब यह सब कुछ नहीं सी तो यह फकीर कित्थे सन, कि संत केड़ी थां ते खड़ा होके उस परमात्मा की तलाश कर रहा है। दरअसल नंद लाल बड़ी दूर की गल करते हैं, रेत का जर्रा भी पूर्ण होना चाहता है, जगत विच जो कुछ भी है विकास कर रहा है, अगां वध रहा है, वो किधरे पहुंचना चाहता है, वो अपना मरकज लग रहा है, हर चीज अपना मरकज लग रही है। पानी भावें झरने उच्चे पहाड़ों चो निकलते हैं, वगदे ने निवाण की तरफ दौड़ते हैं, पता है मरकज थले है, सागर समुंदर। अग किधरे भी बालिए उपर उठती है, केंद्र उपर है मरकज सूरज। धूर दे कणके मिट्टी के जर्रे भावें हवा कितनी बुलंदियां ते लै जाए थले ही आते हैं, उन्हों का केंद्र थले है, जमीन विचलीन होना चाहते। कहते हैं मनुख की इस चेतना का भी कोई मरकज है, कोई केंद्र है, और उस केंद्र तक पहुंचे बिना, उस मरकज तक पहुंचे बिना चैन नहीं है, किसी को नहीं मिल सकता। हर बंदा पड़ाव विच है, पड़ाव विच जन्म होया, पड़ाव विच जीवन होया, तो कई दफा पड़ाव विच मर जाता है, रस्ते च टिकाने ते नहीं, केंद्र ते नहीं, मरकज विच नहीं। भगत कबीर कहिंदे ऐसे घर हम बहुत बसा रहे, इस तरह का जन्म तो मैं कई दफा लै चुके हैं, रस्ते विच ही रह गए हैं। और आप कबूल करते हैं पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई ऐ अकाल पुरख। सेवक ते मैं पिछले जन्म ही सी तेरा, तेरी बंदगी करता रहा, नाश कुछ भी नहीं होता, बीज रह जाते हैं, जिन्हू सूक्ष्म शरीर असी कहने ना वह नहीं मिटदा। अंतिम समय ये अस्थूल देही दफन कर दिती जाती है या साड़ दिती जाती है, आत्मा परमात्मा की अंश है, नवा जन्म कौन लैंदा है, नवा जन्म लैंदा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म संस्कारां दा पुतला, सूक्ष्म शरीर जो असी अज तक कीता है, ते जिस दे संस्कार बने ने संस्कारां नूं
सूक्ष्म शरीर कहते हैं और यही जन्म मरण के चक्कर च पैंदा यही दुख सुख भोगदा। उस सूक्ष्म शरीर नूं चित्र गुप्त भी आप दिता गया है, वो तस्वीर जिहड़ी गुप्त है नहीं दिखाई देती। बंदे नूं बाहरों वेख्या जा सकदा, उसके संस्कार किस तरह वेखोगे, संस्कार किस तरह बनते ने। बंदा जब कोई कर्म करता है तो कर्म तीन प्रकार के आलमां ने मन लै, वाचिक कर्म, शरीरक कर्म ते मानसिक कर्म। जो बंदा बोलता है, जो बंदा करता है, जो बंदा सोचता है, इस तो बनते ने संस्कार। ते संस्कारां तो बनता है सुभाव, ते सुभाव तो बनती है प्रालभत, ते प्रालभत का फल है दुख ते सुख। दुख सुख फल है और कुछ नहीं। अगर सुख है तो कहने सुभाव चंगा है, सुभाव चंगा है तो समझ लो संस्कार चंगे ने, संस्कार चंगे ने समझ लो कर्म चंगे ने। यह श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है, परमात्मा ने आप बनाई है। एक कर्म जो कुछ भी करिए उसके संस्कार बन जाएंगे, संस्कार बीज ने, ते बीज फिर वह जियां दा कर्म कराएंगे जो कीता है। जैसे एक बीज बोईए तो आखिर बीज बोया या बीज तक पहुंचता है, उसके अनंत बीज पैदा हो जाते हैं। एक कर्म तो अनेक संस्कार जन्म लेते हैं। जैसे जिस बंदे ने आज झूठ बोलिया, बीज है, कर्म है, पर अंदर अनेक झूठ बोलन के संस्कार बन जाएंगे, तो उन्हां संस्कारां ने फिर झूठ बोलन पर मजबूर करना है, फिर संस्कार बन जाएंगे, फिर उन्हां संस्कारां ने फिर झूठ बोलन पर मजबूर करना है। तो कर्म संस्कार बनेंगे, संस्कार सुभाव नूं जन्म देंगे। मनुख की फितरत, मनुख का सुभाव यह संस्कारां दी देन है। ते सुभाव तो प्रालभत का जन्म, ते प्रालभत तो दुख ते सुख। ईश्वर का विधान, रब्बी विधान। सुख है तो कहते ने सुभाव प्रालभत चंगी, प्रालभत चंगी सुभाव चंगा, सुभाव चंगा संस्कार चंगे, ते संस्कार चंगे तो कर्म चंगे। ये श्रृंखलाएं जी चलती है। वो जो सुभाव है, वो जो संस्कार है, उन्होंने कहते हैं चित्र गुप्त। जन्म वो लेंगे, आत्मा अजन्म है तो शरीर से नाश हो गए, वो जिंद का शरीर फिर नहीं बनता। लखां बच्चे रोज जन्म लेंदे ने, नवा ही रूप लेके आते, नवी आवाज लेके आते, नवा ही नक्शो निगार लेके आते। एक मनुख के नक्शो निगार दूजे नाल नहीं मिलते। इत्थे कहिंदे ने सियाणे कि परमात्मा विच पुनरुक्ति नहीं है, परमात्मा दोहरांदा नहीं है। एक चीज जो बना दिती मुड़ के नहीं, उसकी बनकर विच इस वास्ते नवीनता है ते महानता है। तो देही ते नाश हो गई, इस तरह की देही नहीं। आत्मा इति राम दी अंश है, कहो कबीर ए राम की अंश, जस का वद पर मिटे न मनस, इति राम दी अंश है। तो जन्म मरण के चक्कर च कौन पैंदा, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अगर बहुत माड़ा है, बहुत मनुख ने गलत किया है, गलत बोलिया है, गलत सोचे है और लगातार ऐसा किया है, तो संस्कार बन गए, स्वभाव बन गया। कहते इस तरह के सूक्ष्म शरीर का छेती जन्म नहीं आता। कोई बहुत भैड़ा घर चाहिए, औरंगजेब हिटलर जैसे, हलाकू जैसे छेती जन्म नहीं ले सकते, भटकन गए। और इन्हां भटकदियां हुईयां रूहां नूं सूक्ष्म शरीरां नूं ही जगत कहिंदा है ओत प्रेत। गुरु अर्जन देव जी ने इन्हों का जिक्र किया है, कई कोट भूत प्रेत सूकर मेरे बाद। 12-13 साल पहले तो मैं नहीं इन्हों गलों मनता सी, पर मैं हैरान हो गया कि एक अनपढ़ पंजाबी मुंडा
कुरान की आयतां बोलन लग गया, या इस तरह मैं देखिया कोई संस्कृत के श्लोक पढ़न लग पाया, कोई वो भाषा बोलन लग पाया जिड़ी उसने कभी बोली नहीं तो जानता नहीं, और कुछ जड़िया गल्लां इस ढंग दियां जिसनों सुन के अंदाजा लाना पैंदा है कि कोई होर बोल रहे। कई कोट भूत प्रेत सुगर मिर्गाज जिन्हों असी खला कहने खाली नहीं है, कुछ भी खाली नहीं, इससे खाली कोई ना है। प्रभु की बनाई हुई बनकर तो खिमा करनी खाली जगह कुछ भी नहीं है, सानू जो खला दिखाई देता इतने भी है, कुछ खला नहीं है, कुछ खाली नहीं है। कुछ किसी वक्त इन अंधविश्वास आख्या जाता सी, अज नहीं है, तो कई की दृष्टि परमात्मा भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास होंदा केड़ा है जिन्हों समझया नहीं जाणया नहीं ते मन लेना, जिन्हों समझया नहीं ते जाणया नहीं या इनकार कर देना, दोवें अंधविश्वास, समझया नहीं जाणया नहीं इनकार कर देना। एक आस्तिक का अंधविश्वास है, एक नास्तिक का अंधविश्वास है। आस्तिक कहिंदा मेरी रब दे शरदा है, पर सवाल है तू रब नू जाने, रब की गल कोई सुनी, कोई विचार की थी? ते मैं अर्ज करा गुरमत ते उंज विचार दा ही धर्म है, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, सानू सतगुर ने विचार का पुजारी बनाया। मैं ते कई दफा हैरान होना कि जिड़ियां कौमां पत्थर दियां ते बुत दियां पूजा कर दियां ने, उन्होंने अपने रैपर के विचार बड़ी दूर दूर तक फैला दिता। बोधि महात्मा बुद्ध की तस्वीर की बुत की पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के विचार समुचे एशिया फैला दिते गए, चीन जापान ये लाओस कंबोडिया ये थाईलैंड सारे उसकी लपेट आ गए, श्याम नेपाल तिब्बत भूटान सब बोधी ने, किसी वक्त कश्मीर अद्धा बोधी से, अफगानिस्तान बोधी से, किसी वक्त बौद्ध मंदिर बहुत लभे ने अफगानिस्तान में, पुजारी पत्थरां दे, लेकिन महात्मा बुद्ध के विचार बड़ी दूर दूर तक फैला देते। दूसरे पासे देखते हैं हिंदू समाज में भी कृष्ण की मूर्ति की पूजा करता है पत्थर के पुजारी, पर कृष्ण की गीता के विचार बड़ी दूर दूर तक फैला देते गए। बहुत लोगों ने गीता पढ़ी है, समझी है, जानी है। सिख कौम विचार भी पुजारन है, गुरुआं ने विचार का पुजारी बनाया, ते विचार अपने परिवार तक भी नहीं पहुंचा सके, गुरु की गल अपने परिवार तक भी नहीं पहुंचा सके, बच्चियां तक भी नहीं पहुंचा सके, पड़ोसी तक भी नहीं पहुंचा सके। तो जबकि मैं देखना कृष्ण का संदेश बड़ी दूर दूर तक फैला दिता गया, महात्मा बुद्ध के विचार बड़ी दूर दूर तक फैलाए गए, हालांकि वह विचार के पुजारी नहीं पत्थर के पुजारी बुद्ध के पुजारी, पर जिड़ी कौम है ही विचार के पुजारन, ये विचार नहीं फैला सके। बिल्कुल उल्टी जी गल हो गई, बिल्कुल उल्टी जी, असी विचार के पुजारी हाँ, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा विचार की पूजा है, ज्ञान की पूजा है, विचार की पूजा है। तो गुरु ग्रंथ साहब विच इतिहास मिथिहास नहीं है, ज्ञान है, परमात्मा का अकाल पुरख का ज्ञान है। जिस कौम नूं गुरुदेव ने ज्ञान का पुजारी बनाया, विचार का पुजारी बनाया, यह विचार अपने परिवार को भी ना दे सके। तो जिहड़े पत्थरां दे पुजारी, बुतां दे पुजारी, तस्वीरां दे पुजारी, मैं तो देख के हैरान कि विचार बड़ी दूर दूर तक फैला दिते गए, और बहुत सारी दुनिया उन्हां दी विचारां दी लपेट दे च है, जबकि असी पड़ोसी नूं भी नहीं दस सके कि असी विचार दे पुजारी और किस विचार दे पुजारी हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे तीन चीजा अमर ने कदी नहीं मिटदियां, फिर नारायण, फिर गुरु, फिर साचा विचार। एक अकाल पुरख नाश तो रह,
एक शब्द नाश तो रहत है, एक शब्द की विचार नाश तो रहत है, तिने अमर हमेशा ही रहनिया हालात मौजूद है, व्यापक ने, परमात्मा मौजूद है, शब्द मौजूद है, विचार मौजूद है। और यह भी मैं अर्ज करा, जब भी कोई महान कवि लिखता है वो ऐसा कहता, मैनू ये खलाद चीजा मिली, मेरे ख्यालों की बुलंदी तो खलाद मैनू ये सब कुछ मिल गया, तालमेल बैठ गया। इसका मतलब खलाद मौजूद सी ताई तो मिले, वरना किस तरह मिलता। मौजूद ने विचार, मौजूद ने शब्द, मौजूद है परमात्मा, फिर नारायण, फिर गुर, फिर साचा विचार। तो सच दे विचार दे असी पुजारी, शब्द दे असी पुजारी, विचार परिवार तक भी नहीं फैलाई, पत्थरां दे पुजारी, पर कृष्ण दी विचार बड़ी दूर दूर तक फैलाई है, महात्मा बुद्ध दी विचार बड़ी दूर दूर तक फैलाई है। जिहड़ी उम्मत अपने रहबर दे विचारां नूं दूर दूर तक नहीं फैला सकी, उस कौम दे सिर ते कब जो है कर्जा रह जांदा, बहुत बड़ा कर्जा। और ये बहुत बड़ा कर्जा खास करके गुणी ज्ञानी ते प्रबंधकां दे सिर ते बहुत बड़ा है, अगर गुरु दी विचार नहीं फैलाई गई, गुरबाणी दी विचार नहीं फैलाई गई, नहीं जगत नूं दसी गई, कर्जा ही है। और आप सुन के हैरान होवोगे, कुछ कर्जे धार्मिक लोगों ने मन्ने ने, देव ऋण, पितरी ऋण, गुरु ऋण, ब्रह्म ऋण। गुरु रामदास जी महाराज उसका जिक्र करते हैं, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाता, देव ऋण, धरती का कर्जा और हवा का कर्जा, पानी का कर्जा, अन्न का कर्जा, सूरज चंद तारिया का कर्जा सानू जीवन दे रहे हैं। इन्हां विच एक भी ना होवे साडा जीवन नहीं रह सकता। सानू सूरज जिंदगी दे रहे हैं, सानू धरती तो जिंदगी मिल रही है, पवन तो जिंदगी मिल रही है, पानी तो जिंदगी मिल रही है। जिस जिस तो सानू कुछ मिल रहा है उसका कर्जा है, देव ऋण, पितरी ऋण, मां बाप का कर्जा, उन्होंने सानू शरीर की बनकर दी, सेवा की, पालिया, पोसया, वड्डा किया। फिर गुरु ऋण, गुरु ने विचार दी, ते फिर ब्रह्म ऋण, ब्रह्म ने जीवन दिता, आत्मा दिती। तो ये कर्जे साहिब रामदास जी महाराज कहने उदों उतर गए, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाता। नाम मिलिया, नाम दी विचार मिली, नाम का सिद्धांत मिलिया, नाम का रस मिलिया, कर्जे ले गए। तो मैं अर्ज करा, गुरु का ऋण है साडे उते, गुरु का कर्जा है, गुरु की दित्ती हुई देन नू जे हिरदे च धारण नहीं कीता ते जगत विच फैलाया नहीं, कर्जा है साडे उते, सिर ते बहुत वड्डा जो है बोझ है। गुरु नाम दियो ऋण लाथा। और मैं अर्ज करा, ये ऋण, ये कर्जा उन्हां दे उते बहुत ज्यादा है जिन्हां दी ये जिम्मेवारी है कि गुरबाणी नू जगत विच फैलाना है, ते ना फैला सके उन अपने घर दे जी, अपने पड़ोस दे जी। तो बहुत वड्डा कर्जा है, बहुत वड्डी गल है। आपां इत्थे बैठ के बस विचार ही करनी है, ब्रह्म विचार, विचारे गोए नानक तांकी परमगत होए। कीर्तन अकाल पुरख नाल जुड़न दा वसीला है, कीर्तन बंदगी है, कीर्तन रस है, इस दौर विच रब नाल जुड़न दा प्रधान साधन है। पर मैं अर्ज करा, विचार तो बिना कीर्तन सुन नहीं सकोगे, विचार तो बिना कीर्तन कर भी नहीं सकोगे, विचार तो बिना कीर्तन भी समझ नहीं आवेगी, विचार तो बिना मन जुड़ेगा नहीं। तबला ही सुन लोगे, सुर सुन लोगे, आवाज सुन लोगे, पर जे विचार है तो कीर्तन ने करते पुरख नाल जोड़ देना है, सीधा संबंध जुड़ जाएगा। तो खैर एक सुभावक विचार चल पई कि असी विचार दे पुजारी हैं, हुण समझिया नहीं, जाणिया नहीं, पता नहीं, ते कह देना रब नहीं है,
अंध विश्वास है, पता नहीं, जानिया नहीं, विचार भी नहीं की थी, ते कहिंदा रब है, ये भी अंध विश्वास है। दो तरह के अंध विश्वास ने, एक आस्तिक का अंध विश्वास, एक नास्तिक का अंध विश्वास। बदकिस्मती है, लोग आस्तिक लोगों को अंध विश्वास कह देते हैं, नास्तिक नू नहीं कहते। जिहड़ा कहिंदा परमात्मा नहीं है, तू जानिया इस गल, तू छानबीन कीती है, तू समझन की कोशिश कीती है, तू अंतर गहराइयां च झात मारी है, कुछ भी नहीं, संबंधी कोई खोज नहीं, लेकिन इनकार है, नहीं है। अभी तो भी ज्यादा दुनिया इस तरह के अंध विश्वास जी रही है, नहीं है। तो बाकी दुनिया भी अंध विश्वास जी रही है, विचारिया नहीं है, समझिया कुछ भी नहीं, मनने रब न। इस तरह के मनण वालों की तादाद भी जगत च बहुत है। तो परमात्मा आनंद है, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा खेड़ा है, खुशी है, लेकिन जो परमात्मा मनते ने यह खेड़ा खुशी आनंद देखने नहीं मिलता। दोवां का अंध विश्वास, एक कहिंदा नहीं है, जानिया कख भी नहीं, इनकारी हो गया, तो जानिया कख भी नहीं, मनन लग पे। ये दोहां कोल अंध विश्वास है। तो अंध विश्वास गुरु ने सानू नहीं दिता। अगर तू इनकार भी करना है तो छानबीन कर ले। कल तक लोग कहते सन कोई भूत प्रेत नहीं, अज सियाने सियाने भी मनन लग पे, इस संबंध च खोजा भी कर लग पे, कुछ खलाव है ऐसा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाज, या केते देव दानव मुन्न केते केते रतन सुमन। कुछ देव ते कुछ भूत प्रेत खलाव ने, क्यों ने, क्यों भटकते ने, जन्म क्यों नहीं होया। दरअसल भूत प्रेत ते ओ ने जो बहुत मलीन सन, सूक्ष्म शरीर बहुत गंदा सी, बहुत गंदा। तो हुण इतना गंदा शरीर किधरे जन्म लवे, कोई बहुत गंदी मां चाहिए, कोई बहुत गंदा पिता चाहिए, कोई बहुत गंदा घर चाहिए, कोई बहुत गंदा परिवार चाहिए। हिटलर ने जन्म लेना है, औरंगजेब ने जन्म लेना है, औरंगजेब तीन भरा मार दिते, भतीजे मार दिते, प्यो नूं कतल कर दिता है, रहम नाम की गल उहदी जिंदगी विच नहीं है। इस तरह का पुरुष छेती जन्म नहीं ले सकता। मैं तो पिछले दिन ही देख के दंग रह गया, औरंगाबाद में हाजरी भरन गए गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के गुरपुरब से कुछ दिन बाद मनाया गया। एक प्रबंधक मैनू कहण लगे, जैनी जी इत्थे औरंगजेब की कबर है 12 मील दूरी से, वेखनी है। मैं तो जरूर वेखनी है, वह मैं जरूर विखाओ। दौलताबाद के कोल खुलदाबाद है, खुलदाबाद उत्थे औरंगजेब की कबर है। ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती के पोतरे के कोल उत्थे पोतरे का मजार है, मईउद्दीन चिश्ती का, ते नाल ही कबर है। मैं जब पहुंचे हाँ, हैरानगी हुई, कच्ची कबर है, ते चारों पासे निजाम हैदराबाद ने संगे मरमर की जाली बनाई हुई, ते निजाम हैदराबाद का नाम भी लिखा है, उन्हें जाली बनवाई। जब मैं सारी ए कबर चारों पासे वेखी, मजौर नाल कुछ गल्लां होईयां, जान लग्या कि मजौर मैनू कहण लगा, सरदार जी इत्थे जिहड़े आउंदे ने उह कुछ नजराना चढ़ांदे ने, ते असीं रात नूं इत्थे दीवा जलाना हुंदा है कबर ते, ते तेल ते होर साजो समान ते साडी जिहड़ी उपजीविका उस ढंग नाल चलदी, तुसीं कुछ दे के जाओ, असीं रात नूं इत्थे दीवा जलाना हुंदा। एकदम फिर मैं उत्थे कुछ ख्याल लिखे सन, मैं कि हद हो गई, समुचे हिंदुस्तान का बादशाह भरावां नूं कतल किया, प्यो नूं जेल विच पाया, भतीजे मारे, अथाह जुलम, नाम तो लोकी कंबदे सन, कबर ते दीवा जलाना है, मजौर पैसे पिया मंगदा, अज भी मंग रहे, रोज मंग रहे।
कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जिसनों इसने शहीद किया, शहीद करन दा हुक्म किया, उसके द्वार देते माया दे दरिया पे चलते अथाह रस बने आया, अगमनी आनंद बने आया, कि वेख के कहना पैंदा कूड़ निखुटे नानका ओढ़ के सच रही। किस तरह का पुरुष छेती जन्म नहीं लेगा, हलाद च फट पेगा, और इस तरह की कठोरता के जीण वाले होर भी अनेक। कहने जिहड़ा साधारण मनुख है उसका 13 दिन के अंदर अंदर जन्म हो जाता है, मरे है 13 दिन के अंदर अंदर, हिंदू इस वास्ते 13वां करते हैं, सिख जगत के भी 10वें दिन भोग पा ही दिता जाता है। आम साधारण मनुख है, चंगे माड़े कर्म दोवें इकट्ठे करता रहा, पुन भी करता रहा, पाप भी करता रहा, सच भी बोलता रहा, झूठ भी बोलता रहा, थोड़ा जिहा धार्मिक भी सौ थोड़ा जिहा अधार्मिक भी सी, एक पैर अगे करता सी, एक पैर पिछे कर लैंदा सी, पहुंचता किधरे भी नहीं, उत्थे दा उत्थे रुकिया। इहनूं कहिंदे साधारण मनुख, इहदा जन्म 13 दिन के अंदर हो ही हुंदा, क्योंकि साधारण घर से मौजूद ने, साधारण मां जगत विच मौजूद है, साधारण पिता जगत विच मौजूद है, साधारण परिवार जगत विच मौजूद ने, आम पद्धर की जिंदगी जीण वाले एक कदम अगे चले गए एक पिछे। इस तरह दिया सूक्ष्म शरीर जिन्हों रूह कह दिता जाता है, जन्म हो जाता है 13 दिन के अंदर। असाधारण कौन है? जो साधारण नहीं है ऐसा सूक्ष्म शरीर केड़ा है? असाधारण एक ते हो कतलो वारत कीते ने, बेरहमी नाल कईयों के सिर कुचले ने, कठोरता दे जीव है, बेहोशी दे जीव है, अपवित्रता दे जीव है। मुश्किल है 13 दिन के अंदर इसका जन्म हो, पर बड़ी पवित्रता दे जीविया, नाम जपया, बंदगी की, दान पुन किया, सेवा की, बड़ा कुछ किया, लेकिन शिखर नू नहीं छू सकया। जो शिखर छूनी चाहिए सी नहीं छू सकया। भगत कबीर खुद कहते हैं कि मैं पिछले जन्म विच ऐ परमात्मा तेरी शिखरता नहीं छू सकया, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई, हे अकाल पुरख अद की ये मेरा सूक्ष्म शरीर मिटे ना, गल बन जाए तेरे नाल मैं जुड़ जावा। उंज सेवक मैं पिछले जन्म ही सी, बंदगी करदा रहा, गल नहीं बनी। कबीर इस ढंग नाल कबूल करदे ने, पूर्व जन्म पिछले जन्म दे मैं बंदगी करदा रहा, तेरी गल नहीं बनी। इस तरह का पुरुष छेती किधरे जन्म नहीं ले सकता। कोई खास मां चाहिए, कोई खास पिता चाहिए, तो नीमू नीरा बारे आप तुसी पढ़ो, जो कबीर के मां बाप ने सारी सारी रात बैठ के बंदगी करते सन, भजनीक घर, भजनीक घराना। इसे बाद ब्राह्मणा ने देख लिया भाई इतने ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तो उन्हों का दावा सी कि ब्रह्म ज्ञानी सिर्फ ब्राह्मणा के घर पैदा होते हैं, तो कबीर के नाल बाद दे कहानी जोड़ दी थी, ये गंगा के तट पर पिया से, ये नीमू नीरा चुप के लिया ने, इन्होंने पाले है पोसे, ये ब्राह्मणी का लड़का है। तो गुरु ग्रंथ साहब के सबूत मिलते नहीं, मुसलमान घराने चिजला जन्म है, इसकी तस्दीक रविदास करते हैं, कबीर हिंदू नहीं है, कबीर मुसलमान है। कि जब गुरु ग्रंथ साहब की तस्दीक मिल जाए तो शक शुभा वास्ते गुंजाइश नहीं रहती। भगत रविदास कहते हैं कबीर जी बारे भी, कबीर कौन है? जान के ईद बकरीद कुल गौ बद करे, मानिए शेख शहीद पीरा। जे भी कुल शहीदा मनते ने, मजारा मनते ने, ते बकरीद वाले दिन गऊं वढ़ते ने, ईद मनते ने, जान के बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, त्यूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। उस घराने में इसका जन्म है जिथे बकरीद मनाई जाती है, शेखा नू मनिया जाता है, कबरां नू मनिया जाता है, मजारा की पूजा होती है। इतों गल स्पष्ट हो जाती है, ईद कितने मनाई जाती है, बकरीद कितने मनाई जाती है। उस घराने जन्म है भगत कबीर का, पर पूर्वले संस्कार
ते भारती अगर यह सूक्ष्म शरीर सी ते पूर्वले संस्कार ते लाजमी हिंदू घराने के होंगे क्योंकि इस्लाम के बाद ही चला वो ते तलवार के जोर नाल फैलिया तो पछड़ियां या जाथा मुसलमान बन गई पिछले संस्कार से कोई तलवार नाल नहीं ना मिटा सकता तो कबीर के पिछले संस्कार सन मुसलमान घराने च जन्म होंदया होया भी वो दावे नाल कहिंदा कि सकत सने कर तुरक होएगा मैं न बदूंगा भाई जोरे खुदाए मुख तुरक करेगा आपन ही कट जाए सुनत करे जे तुरक होएगा औरत क्या क्या करिए अर्ध शरीरी नार ना छोड़े तांते हिंदू ही रही है हिंदू घराने के संस्कार इतने प्रबल और बड़िया प्रबल दलीलों दे गए सुनत करके पुरुष मुसलमान बन गया औरत का क्या करिए अर्ध शरीरी नार न छोड़े तांते हिंदू ही रहिए ते सिर्फ सुनत कराने का हक ते कीती जा सकती है पुरुष की नारी ते हिंदू ही रह गई तो हिंदू जो है अद्धा शरीर हिंदू रवे अद्धा मुसलमान बेहतर है हिंदू ही रहो तांते हिंदू ही रहिए संस्कार बड़े प्रबल ने भगत कबीर ने आप कहने ने पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाए तो इस तरह की जिड़िया आत्मावां ने क्षमा करनी छेती जन्म नहीं लेंदियां ये अपने पवित्र मंडल विच रहिंदियां ने इन्हां दी भी एक पवित्र दुनिया और जन्म साखी पढ़ोगे तो इस तरह के पवित्र मंडलों का बड़ा जिक्र है गुरु नानक ते मरदाने की गोष्ठी खैर इस वक्त मैं गल लमकावां ना 13 दिन के अंदर अंदर आम साधारण सूक्ष्म शरीर का जन्म हो जाता है सूक्ष्म शरीर मैं कह रहा आत्मा अमर है जन्म मरण विच नहीं ये शरीर नाश हो जाता है अगला जन्म किसनों आता है सूक्ष्म शरीर ये अस्थूल देही सूक्ष्म देही सूक्ष्म देही किस तरह बनती है जो असी सोचते हैं जो असी बोलते हैं जो असी वेखते हैं जो असी करते हैं वो बनती है जिन्हों असी कह दें संस्कार ते संस्कार बनते ने सुभाव घर दो बच्चे ने जन्म तो ही दिस पैंदा दोहां दा सुभाव वक वक है क्योंकि दोवें वक वक संस्कार लेके आए ने ते संस्कारां तो सुभाव बनता है सुभाव तो प्रालबत बनती है प्रालबत तो बनता है दुख सुख ये शंखल है परिपूर्ण परमात्मा की बनाई हुई एक मर्यादा है तो नंदलाल जो ये कह रहे हैं जमीन ते आसमान नहीं सी ये कुछ भी नहीं सी मैं सी और हे परमात्मा तेरी याद ही सी मैं तेरी उड़ीक दे सी तो किस रूप दे सी ना भूत हेच निशान हां जिस जमीनों आसमान के शौके यादे तो आउर्द दर वजूद मरा ये अकाल पुरख में बड़ी मुद्दत दा बड़े चिरां दा तेरी उड़ीक च बैठा तेरे मिलन की तांग च बैठा मैं अज का खोजी नहीं बहुत पुराना खोजी हूं मैं अज का प्रेमी नहीं बहुत पुराना प्रेमी हूं यह जमीन ते आसमान भी नहीं सन उदों की मैं तेरी खोज आरंभी हुई है ते जमीन ते आसमान नहीं सी ते नंदलाल तुसी किथे सी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे जो कुछ ख्याल मिले है वह मैं वजाहत बड़े सामने कर दिया समाप्ति करा अरबद नरबद धुंधुकार गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अरबा खरबा साल तक धुंध ही धुंध सी धुंध ये धुंध पानी बनी पानी दे जीवन बनिया जीवन विकास करद्या करद्या जो पानी दे बनिया सी जो मछ कछ अवतार बने गए मने गए वो फिर सहजे सहजे पंछी पशु वनस्पति बने फिर मनुख बने ते मनुख विकास करद्या करद्या दिमागी तौर से इस हद तक पहुंचा कि उसने कह दिता केंद्र दे जुड़े बिना चैन नहीं ये भटकना बनी है बड़ी मुद्दत की भटकना है अनंत जन्मां की भटकना है जे हुण नंदलाल की गल इस गुरबाणी के आईने विच वेखना होवे तो नंदलाल ये कह रहे हैं धुंध पानी बनना चाहती है ते पानी जीवन बनना चाहता है जीवन विकास करना चाहता है बाहर आना चाहता है पानी तो
पशु बन गए, पंछी बन गए, जानवर बन गए, अनेक तरह के विकास करना चाहते हैं, यह भी मनुख बन गए तो मनुख भी विकास करना चाहता है। तो पता नहीं मनुख हुण कित्थे विकास करना चाहता है, किहड़ा विकास करना चाहता है। देखण विच आया है धन मिल गया, परिवार मिल गया, इज्जत मिल गई है, संपदा मिल गई है, चैन नहीं। इहदा मतलब है पूर्ण विकास नहीं होया। जिथे पहुंचना चाहता नहीं पहुंचे, जिथे जाना चाहता है नहीं जा सकया। तो पूर्ण विकास की है, पूर्णता की तलाश की है? दरअसल पूर्ण विच लीन होना, ते पूर्ण केवल परमात्मा है। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जानता ना, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गा। पूरे दे गुण गांदिया गांदिया जिस दिन बंदा पूरा हो जाता है, मंजिले मकसूद मिल गई, टिकाणा मिल गया, आराम मिल गया, चैन मिल गया। धुंध नूं पूर्णता की तलाश है, बड़ी लंबी यात्रा उसनूं करनी पई। और इस वास्ते पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी, मैं आया दूरों चल के, मैं तख्ती बहु शरण आए जी। साड़ी यात्रा बड़ी लंबी है। सूक्ष्म शरीर अगर पवित्र ना होया, ते सूक्ष्म शरीर अगर अति सूक्ष्म ना होया, ते जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहती है। मनुख राह विच ही दम तोड़ देता है, रस्ते विच ही, टिकाने ते नहीं पहुंचता, मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंचता। बंदा मरता है ते सूक्ष्म शरीर कोई होर जन्म ले लैंदा है, होर जन्म ले लैंदा है। ते नवे नवे जन्म के बड़े बड़े सबूत मिल चुके हैं। अनेक बच्चों ने, मासूम बच्चों ने अपने पिछले घर दसे ने। एक निक्की जी घटना जी हूं थोड़े दिन होए कानपुर दे घटी। दास उत्थे कथा कर रहा सी, ते बहुत सारे पेपरां विच भी रोला पिया, ते उस घर विच भी बहुत वड्डी भीड़ जमा हो गई। कोई साढ़े तीन पौने चार साल दे एक बच्चे जिसका जन्म किसी पिंड च होया, कानपुर तो कोई 16 मील की दूरी पर, वो बार बार अपने मां बाप को आख्या करे कि मेरे असली मां बाप पिछले जन्म के कानपुर विच ने। अपने घर का नक्शा दसे, मां का नां दसे, पिता का नां दसे, अंदर के घर के साजो समान का नां दसे। और वाकई जब उसनों कानपुर विच लिया गया, वो उसे घर विच पहुंच भी गई। तो जब इसके कोल होर पिछले जन्म की गल पुछी गई, तो आप सुन के हैरान हो गए। जितने सालों की यह हुण है, इन्ने साल पहले एक घटना लखनऊ विच घटी। एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी का कतल कर दिता, तो लाश गोमती नदी सुट्टी, मिल गई, पकड़िया गया डॉक्टर, उन्हें उम्र कैद हुई। वो बच्ची कहती मैं डॉक्टर की पत्नी सी, उसने यह भी कह दिता। इस सारी वार्ता छपी, फिर उसने यह भी कह दिता मैनू कल्ला इसने कतल नहीं किया, दो नर्सां भी सन, ज्यादा कसूर उन्हां दा, यह बेकसूर है, यह भोला है, उन्हां दी आड़ विच आ गए, उन्हां दे कहने च आ गए। पिछले जन्म की इतनी सारी गल याद। तो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं 5 साल तो जैसे जैसे उम्र टपती है, तो नवे सूक्ष्म शरीर की बनकर पिछली यादा नाश कर देती है, पिछली गल्लां खो जाती हैं। अगर पिछली गल आखिरी दम तक याद है, तो ऐसा मनुख बहुत पवित्र है। जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विचित्र नाटक विच कहते हैं कि अब मैं अपनी कथा बखानो इस जन्म की नहीं, पूर्वले जन्म की। हेम कुंड पर्वत है जहां, सपत श्रृंग सोवत है कहां, तय हम अदब तपस्या साधी, महाकाल काल का अराधी। मैं इतने बैठ के तप करता रहा, तपीश्वर सीने दे, मैं तो हेमकुंड पर्वत से बैठा रहा, बड़ी मुदतों की मैं उत्थे तपस्या की, साधना की थी। इस तरह की अगर याद है, तो यह कोई पूर्ण पुरुष होता है, यह कोई अवतारी पुरुष होता है जो जगत के कल्याण से ही आया है। लेकिन अक्सर कई पवित्र आत्मावान 4-5 साल तक यह सब कुछ याद रहा है। और इस तरह के हजारा सबूत समुची दुनिया मिल चुके हैं। आम साधारण
सूक्ष्म शरीर का जन्म मनुखी जन्म दे चाहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बहुत बिगड़े है, बहुत गंदा है, तो इसका अगला जन्म मनुख नहीं होगा, ये किसी तरीके जो नहीं दे चाहेगा। पर सूक्ष्म शरीर बहुत निर्मल है, बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है, बहुत महान है, तो इस तरह की आत्मा, इस तरह की सूक्ष्म देह ही कोई चंगा घराना लभण की कोशिश करेगी, मां तो भी रब नाल जुड़न की प्रेरणा मिले, पिता तो भी मिले, भरावान तो भी मिले, माहौल तो भी मिले, वो इस तरह की तलाश ही होगी। इस वास्ते कहने इस तरह की दो तरह की आत्मावान का छेती जन्म नहीं आता, भाव सूक्ष्म शरीर का। तो जिहड़े मलेन ने उन्होंने भूत प्रेत कह देंगे, जिहड़े निर्मल ने उन्होंने देव योनि कह देंगे, देवते कह देंगे। खला दे चे दोवें मौजूद ने, ब्रह्मंड दे चे दोवें मौजूद ने। इसे वास्ते ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती, इस देह को सिमरें देव, भूतां प्रेतां दी ते गल छड़ो, देवते तरसते पैने तन मिले। पर यह तन छेती नहीं लैना चाहते, हर एक के घर च नहीं जन्म लैना चाहते, लेकिन तड़पते हैं, तरसते हैं। कोई ऋषि, कोई संत, कोई ब्रह्म ज्ञानी अजोके समय च कहिंदे ने देव योनिया का जन्म होना बहुत औखा हो गया, और सैने ते कहिंदे ने ते बहुत लंबी उड़ीक है। कारण उस तरह के पवित्र घराने नहीं रहे, बहुत घट, बहुत घट। तो किसी पवित्र रूह का जन्म होया है, बचपन तो ही वो इस पासे लगेगा, बचपन तो। कबीर बचपन तो ही बैठ जाते सन समाधि दे, हैरानगी सी, मां नूं भी हैरानगी सी, पिता नूं भी हैरानगी। ये बच्चा साडी प्रेरणा तो बिना परमात्मा की गल करता है, परमात्मा नाल जुड़ता, अकाल पुरख नाल जुड़ता। सत साल दे एक बच्चे ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं प्रशादा छकाया, मिसे दो प्रशादे, लस्सी भरिया लोटा दिता। सतगुरु कहण लगे, ए लै जा अपने भांडे, असी प्रसन्न हो गए। ते बच्चा कहण लगा, महाराज भोजन छकण नाल शरीर प्रसन्न होंदा, शरीर तृप्त होंदा, आत्मा किवें तृप्त आउंदी है? तो आत्मा की तृप्ति की गल जो सत साल की उम्र च करदा, कोई पूर्वले संस्कार, वरना कौन करदा? बुढ़े नहीं करदे, वो बच्चा करदा पे। गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया, उम्र ते तेरी कुछ नहीं, गल बुढ़िया लई करदा, बाबिया लई करदा। इस निक्के जिहे बच्चे का नाम बाबा बुढ़ा पै गया, वरना कई अस्सी साल के भी बाबे बच्चे ने, बाबे बुढ़े को वो बच्चिया लई गल करदा, वो बुढ़िया लई गल करदा, पूर्वले संस्कार ने। तो भाई साहब भाई नंद लाल नूं जाप का बहुत वड्डा बोध है, ये किधरे तहैयल कल्पना मात्र ना समझना। भाई नंद लाल की सुरत बहुत पिछे चली गई है, और बहुत कुछ उन्होंने अपना पिछौकड़ वेख के कह दिता है। ऐ अकाल पुरख ना बूद हेच निशान, हां जे जमीनों आसमां के शौके यादे तो अवुरद दर वजूद मरा। ऐ अकाल पुरख, कई जन्मों तो मैं विकास करदियां करदियां इत्थे पहुंचिया, तेरी मिलन की तांग मैनू इत्थे ले आई है, ते मैं उदों का विकास कर रहा, अगे वधन की कोशिश कर रहा, तेरे लीन होने की कोशिश कर रहा, जब ये सूरज चंद तारे भी नहीं सन, जमीन ते आसमान नहीं सी, मैं धुंध सी, धुंध पानी बनी, पानी जीवन बनिया, जीवन विकास करदियां करदियां मुख मनुख बनिया, ते मैं अज इत्थे खड़ा। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने, ते बख्शिश होई है ऐ अकाल पुरख तेरी, कि गुरु गोबिंद सिंह जैसा मैनू मुरशद नसीब है। इस वास्ते वो कहिंदे ने, बाहोश बाहोश के हंगामे नौ बहार आमद, बहार आमदो यार आमदो करार आमद, ऐ मनुखी फुल खेड़े च आ जा, ऐ जीव तू खेड़े च आ जा, तेरे उत्ते मनुखा जन्म दी बहार आई है। ते गुरु गोबिंद सिंह जैसा यार भी आया, हजारां तरह के नगमे लैके खेड़े च आ जा, मस्ती च आ जा। यह खुशकिस्मती भाई साहब भाई नंद लाल नूं नसीब, मुरशद के बोल मुरशद के वचनां नूं धारण करके बंदगी करके नंद लाल ने वह रुतबा हासिल किया, जिहड़ा रुतबा भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे ने, जहां जहां ध्रुव नारद टेके नैक टिकाओ मोए। ऐ अकाल पुरख, जिथे तू ध्रुव नूं टिकाया है, नारद नूं टिकाया है, बड़े बड़े संतां नूं बिठाया जिथे,
तू मैनू उस आसन ते बिठा, मैनू वह टिकाणा बख्श। इस टिकाने की प्राप्ति भाई साहब भाई नंद लाल नूं होई, उन्हां दे वचन नूं सामने रख के मैं थोड़े सामने तशरीह की है, विचारां ये खुलियां रखियां ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेरा वरतावन, शौक पैदा होवे, तड़प पैदा होवे, ये साडे संस्कार बनन। विचार सुन के कीर्तन सुन के, कीर्तन साडे संस्कारां दा हिस्सा बने, साडी सूक्ष्म देही दा हिस्सा बने। सतगुरु दा हुक्म सुनीए कि हुक्म साडे सूक्ष्म शरीर दा हिस्सा बने, ताकि असी पूर्ण विचलीन होके पूर्ण हो सकीए, मुकम्मल हो सकीए, पूरे हो सकीए, अधूरे ना मरिए, पूरे होइए, मुकम्मल होइए। भुल चुक दी खिमा, बाकी विचारां कल तुहाडे सामने गालबन 7:15 बजे तक रखांगे। ते हुक्म होया सी अपने सिठी साहब हां दा, होर कुछ गुरमुख परिवारां दा कोई खास बाणी दी विचार रखनी है, तो चूंकि दास ने रहना सिर्फ 7-8 दिन है, तो कीर्तन सवेले दा हुक्म होया कल तो इस बाणी दी विचार दास बड़े सामने रखने की कोशिश करेगा।